हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और आज है काम का दूसरा दिन। तो मिस्त्री लोग आ चुके हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या काम हुआ है। बजरी जो है कम पड़ गई थी, तो ये बजरी और मंगाई है, ये प्लस्तर की मंगाई है, ये फर्श के लिए मंगाई है। और मैं दिखाता हूँ आपको, ये टाइल मैंने भिगो दिए थे, टाइल लगना शुरू हो गए हैं। कुछ टाइल बचे हुए हैं, टाइल मैंने भिगो दिए थे और टाइल लगने शुरू हो गए हैं। ठीक है, कुछ टाइल मैंने भिगो दिए थे और भाई टाइल लगा रहा है। देखो इस दीवार का काम इतना हो गया है। अच्छा दोस्तों, देखिए काम जो है काफ़ी हद तक हो चुका है। देखिए टाइल लग गए हैं हमारे सारे दीवार पे, टाइल वगैरह लग गए हैं। और ये जो है अपना फर्श भी बना दिया है, यहाँ से पूरी दीवार बन गई। ऐसा दीवार बात नहीं लगाओ, जो अभी गीली है ना, तो वो दीवार से भी ये काम हो रहा है। यहाँ पे अलमारी की चौकी भी बन चुकी है। सही है सर है? अच्छा दोस्तों, यहाँ पे जो है काम हो चुका है हमारा ख़त्म, और मिस्त्री जो लोग जो है जा चुके हैं, सारा फाइनल कर दिया उन्होंने आज काम। और जो है मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या काम किया इन्होंने, और खाना भी लग चुका है वैसे साथ, तो ये खाने की तैयारी है, क्योंकि हमारे पास बैठने की जगह सही नहीं थी। तो अब ये मिस्त्री लोग गए हैं, तो हमने अपना गद्दा वगैरह बिछाया है और साथ देखने लेटे हुए इधर, और यहाँ पर खाना लगा हुआ है ये। तो बस खाना खाने की तैयारी। लेकिन मैं इससे पहले आपको दिखा दूँ कि काम की क्या पोजीशन है और क्या किस तरीके से काम मुकम्मल हुआ। ये देखें दोस्तों, यहाँ पे जो है पूरी दीवार पे जो है टाइल लग चुके हैं, ये काम कंप्लीट है पूरा। और इधर जो है अलमारी की चौकी बन गई है, और ये डबल छत्ती के बीम वगैरह लगा दिए हमने, सही है। और जो है पूरा प्लस्तर हो गया है इस पर दीवार पर, आगे से भी हो गया और पीछे से भी हो गया, पीछे की तरफ से भी। तो यानी कि सारा काम जो है कम्प्लीट हो चुका है, और ये बस अलमारी थोड़ी सी जो है टूट फूट गई है। तो इसका जो है अब हम दरवाज़ा जो है इस तरफ से लगाएंगे, यानी कि कमरे के इस तरफ से ना, अंदर से, यहाँ से पहले ये लगा हुआ था इधर से, तो अब लगाएंगे हम इसको यहाँ से ना। तो इसकी भी पूरी सेटिंग बनानी है। तो अभी ये जो है थोड़ा काम वाम ख़त्म हो चुका है, लेकिन सेटिंग वेटिंग होगी तो फिर उसके बाद इसको मैं देखूँगा क्या करना है। अभी सारे तार वगैरह ऐसे ही फैले हुए हैं, ये वायरिंग भी करनी है, सही ना। तो वायरिंग वगैरह भी हो जाएगी, फिर आपको जो है दिखाते हैं। तो खाना लग चुका है, और दाल काली इसी नहीं है ज़्यादा बनाई थी, क्योंकि ना मिट्टियाँ बहुत ज़्यादा उड़ रही हैं और घर की हालत आप देख रहे हैं क्या हो रही है। तो इसी नहीं मैंने कहा एक दिन सालन बना लेती हूँ ज़्यादा, तो आज दाल के साथ बनानी है चावल, और दही भी है, सलाद है, अचार जो है थोड़ा सा इसमें अभी रखा है, अचार निकलेगा। तो अभी जो है साथ खा चुके हैं, लेटे हुए हैं, ये थे थक गए बहुत ज़्यादा, पूरा दिन हो जाता है इनको फिरते फिरते, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं थी किचन में, हम लोग बैठ के सब कर रहे थे। तो जो है ना अब ये लेट गए, सर्दी भी बहुत ज्यादा लग रही है। तो चलिए पहले खाना खा लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। ये देखिए दोस्तों, इन्होंने केक बनवाया है, अभी बड़ा केक है, पूरे सखत से आया हुआ है। तो ये अभी जो है बांटा जाएगा, तकरीब खत्म होने के बाद बांटा जाएगा।
और ये लंगर का इंतज़ाम है जैसे मैंने आपको बताया था। केक इन्होंने बनवाया है काफ़ी बड़ा। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह आज वो दिन आ गया है जिसका मैं जिक्र करती थी बार बार अपने व्लॉग में। तो अल्लाह का अलग शुक्र है कि अब ये होने लगा है। तो दोस्तों आ गया है कलर भी देखिए। तो गेटों का जो है मैंने चेंज करने का सोचा है दोस्तों, गेटों का जो है ना मैंने चेंज करने का सोचा है क्योंकि ना गेटों पे बहुत ज़्यादा मिट्टी आ जाती है। देखिए ब्राउन कलर है ना तो इस पे बहुत मिट्टी आ जाती है। थोड़ा सा फेरिएगा पीछे का दिखाऊं, ये देखें इतनी ज़्यादा मिट्टी रहती है इस पे ये दी। तो गेटों का कलर चेंज करने का सोचा है, दीवारों का भी चेंज होगा। तो अलग अलग कलर आ गया है, अभी अभी लेकर आए हैं ये लोग दोनों गए थे तो अभी ये आए हैं तो दिखाएँगे। तो देखिए दोस्तों ये जो कलर है ना ये कलर है अर्ली डाउन, तो ये मैं करवा रही हूँ गेटों पे कलर ताकि जो है ना मट्टियाँ नज़र नहीं आएंगी गेटों पे। और जो है इसका जो मैंने लिया है एच ग्रे वाइट दीवारों का, तो दीवारों पे होगा एच ग्रे वाइट और गेटों पे होगा अर्ली डाउन। तो अभी तो फिलहाल ये आ गया है तो मिस्त्री अभी आए नहीं है, इसी नहीं है अभी तक हमारा घर इसी तरीके से फैला हुआ है। तो जब तक पूरा कलर वलर नहीं हो जाएगा सारी चीज़ें अपनी जगह पर नहीं जाएंगी। अभी तराइयाँ भी हो रही हैं इस वजह से चीज़ें जो है इधर उधर हुई हुई हैं। तो चलिए अभी देखते हैं कि कलर कब शुरू होगा। चूना भी आ गया है गेरा अस्तर मारने के लिए। अच्छा अस्तर मारेंगे ना, चूने का अस्तर मारेंगे पूरा। अच्छा। जो नई दीवारें बनी हैं उन पर अस्तर होगा। ये दुकान का सही। चलो सर दोस्तों आज ही इनकी बर्थडे, तो जो है ये सो रहे थे सो के उठे और तबीयत सही नहीं है क्योंकि नींदें पूरी हो नहीं रही हैं और पूरा घर फैला पड़ा है जैसा कि आपको पता है। क्योंकि अभी तराइयाँ हो रही हैं घर में, वहाँ पे देखें सब गीला हुआ है उधर से, बस हम तो एक गद्दा बिछाते हैं और सो जाते हैं। तो हमने कहा चलो थोड़ी सी बर्थडे बना लेते हैं, तो केक लेकर आ गए बस और बना लिए साथ में चाय। तो अभी जो है केक निकालेंगे ये खुद ही, तो देख लेते हैं। मैंने भी नहीं देखा कि केक कैसा है, पैक हो गया आया था, तो चलें देख लेते हैं कि कैसा है केक। वाह ज़बरदस्त, हैवी बर्थडे दानी, अच्छा लग रहा है ज़बरदस्त। बर्थडे बॉय को तो दिखा दो, बर्थडे बॉय को दिखा दो, बर्थडे बॉय को। और दोस्तों मैं तो अभी कोई गिफ्ट नहीं दे रही हूँ क्योंकि जो है ना घर के हालात जो है आप देख ही रहे हैं कि कैसे हुए हुए, तो घर से निकलना हो नहीं रहा बिल्कुल भी। और तो मैं घर में रहती हूँ, ये कहीं जाते काम से तो मुझे यहाँ रहना पड़ता है लाजमी। और असाद फ़िलहाल पापा के लिए गिफ्ट ले आए हैं और मैं तो नहीं लेकर आई हूँ, मेरी तरफ से ड्यू है, बाद में देखेंगे। तो चलो असाद दे दो तुम पापा को गिफ्ट जल्दी, चलो कर लिया जाओ जल्दी जाओ। दोस्तों निकाल लिया है आसान ने गिफ्ट, तो चलो भाई लाओ जी आओ जल्दी से। आके बंद बंद है आगे मेरी, देखो बैठो जल्दी बैठो, बैठ के दो ये ला। ने क्या लाया मेरे लिए, ये क्या है? वाओ जबरदस्त। दोस्तों तो साथ में लिए बेल्ट लिया है भाई, पैंट की जो बेल्ट होती है ना माशाल्लाह, दो दो वो भी एक ही दो। थैंक यू मुन्ना, थैंक यू करो, आ जाओ मेरा मुन्ना, ये मेरा मुन्ना है भाई छोटा सा। विश तो करो सर वो पापा हैप्पी बर्थडे टू यू, थैंक यू। तो असाद ने दी है बेल्ट, वैसे भी ना सर के पापा की बेल्ट टूट रही थी तो इसलिए इनको जरूरत भी थी। ये मुझे लग रहा है छोटी आ गई है, देखो छोटी है ना, ये वाली सही है। मैं लगा के ही असाद के चेक कर रही थी ना, असाद के भी नहीं लग रही थी ये गलती से छोटी आ गई, इसको चेंज करनी पड़ेगी। तो चलो केक काट लेते हैं, इसको तो चेंज कराना पड़ेगा। तो हम जहाँ से लेके आए ना असाद के साथ आप चले जाइएगा कल, जल्दी से आके चेंज करा दीजिएगा। वाकई में ये बहुत छोटी आ गई, दूसरी वाली सही है।
तो चलो केक कट कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको बाहर निकाल लें डब्बे से। हाँ ऐसे करके खोल लो। तो चलिए दोस्तों केक काट लेते हैं। चल हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सबके लिए, थैंक यू। आगे जाओ। ये साथ का, वाह। और ये साथ की मम्मा का, और ये मेरा। थैंक यू माय फैमिली, थैंक यू माय सन, थैंक यू माय वाइफ, और थैंक यू ऑल व्यूअर्स एंड मेरे दोस्तों देखने वाले सभी को, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे जो है बर्थडे विश किया। तो दोस्तों हमारी ये वीडियो आज तक की यहीं तक की थी, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी लाजमी कर दीजिएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा और विश कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक बात और आखिर में, केक बड़े मज़े का है। सही है। तो चले दोस्तों हम ये इंजॉय करते हैं केक और चाय पीते हैं। तो चलिए आप लोग जो है ना सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।